नमस्कार प्रशिक्षु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आपको पता होगा डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर मैथ में बहुत सारे बच्चे फेल भी हैं और डीएलएड 2021 बैच का एग्जाम भी है मैथ का। तो बहुत ही इम्तिहान से बहुत ही अच्छे ढंग से आपको पढ़ाया गया है। एक वीडियो ऐसा आया था महामैराथन के रूप में जो कि लगभग 1.5 घंटे का था, एक हफ्ते हो गए लगभग, तो 1.5 घंटे का था। उसमें पूरी की पूरी हमने सेकेंड सेमेस्टर का मैथ हमने ख़त्म किया था। और 3 या 2 दिन पहले एक वीडियो आई थी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट या सेकेंड नंबर का प्रैक्टिस सेट हम लोग करने जा रहे हैं। तो आप लोग बहुत बढ़िया से और अंत तक हमसे जुड़े रहेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आती रहेंगी और आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते रहिएगा। जैसे ही मैथ खत्म होता है फिर मैं सोशल साइंस या फिर साइंस उठा लूँगा, फिर 4-5 दिन 10 दिन में वो भी खत्म होगा तो फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट उठाऊँगा। तो आप लोग बने रहें। अब ऐसा नहीं सोचेंगे आप लोग कि मैं सारे सब्जेक्ट नहीं कराऊंगा। कुछ बच्चे का कहना है कि सर इंग्लिश करा दीजिए, तो इंग्लिश भी मैं कंटिन्यू करूंगा बेटा, सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। इसमें कुछ नहीं है महामैराथन ही चलाना पड़े हमें, 10 घंटे पढ़ाना पड़े। 10 घंटे लायक तो ऐसे कोई सब्जेक्ट नहीं है आप में कि 10 घंटे बकें, ठीक है? ऐसा कुछ हार्ड वाला सब्जेक्ट नहीं है कि 10 घंटे तक बोला जाए। देखिए मैंने 5 चैप्टर तक कर लिया था प्रैक्टिस, है ना, 5 चैप्टर तक। हाँ 5 चैप्टर तक हमने प्रैक्टिस किया था। जो बच्चे किए होंगे अच्छी बात है, छठे चैप्टर से हम लोग प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं बेटा, ना छठा चैप्टर, चलिए आ जाइए छठा चैप्टर। छठे चैप्टर का पहला क्वेश्चन ये हो गया था क्या? छठा भी हो गया था, सही बोल रहे हैं। सातवें चैप्टर में थे और इसमें सातवें चैप्टर में हम लोग अपने मूल्यांकन करना शुरू करते हैं। सातवां चैप्टर क्या है आपका? रेखीय समीकरण एक चर में और हल निकालना। रेखीय समीकरण है जो कि हल है, हल दिया गया है, उसका हल निकालते हुए हम लोग चलेंगे। चलिए आ जाइए, देखिए बेटा पहला क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग भी अपना पेन कॉपी उठा लीजिए, प्रैक्टिस करते चलिए। और बेसिक क्लास के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो इसमें से डाल दिया था कि आपका सारा का सारा चैप्टर का बेसिक एक ही में क्लियर हो जाए, समझ रहे ना? और प्रैक्टिस करते चलेंगे। जैसे यह वाला बुक का प्रैक्टिस खत्म होगा तो मैं राजन सीरीज पवन सीरीज भी कराना शुरू करूँगा, ठीक ना? बस आपका काम एक है कि आप शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि टेंशन होने के बावजूद भी, परेशानियाँ होने के बावजूद भी हम तनिक भी अपने फेस पर नहीं आने देते हैं कि आप लोग या फील करें कि सर परेशानी है ना। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मात्र एक काम किया करिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी को जोड़ेंगे उतना फ़ायदा होगा, आपका भी मेरा भी होगा। फ़ायदा का मतलब ये नहीं कि मुझे बहुत, मतलब समझ रहा हूँ, है ना, ये कुछ नहीं। तो बस आपको पढ़ाते हुए चलना है, मेरा जो कर्तव्य है मैं कर रहा हूँ, तो आपका भी कर्तव्य उतना तो बनता है कम से कम। चलिए पहला क्वेश्चन सारे अभ्यर्थी करेंगे। एक मिनट बच्चे, चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। x प्लस एट इज इक्वल टू 27 है, तो आप x की वैल्यू इसमें फाइंड कर लेंगे। दूसरा प्रश्न इसमें क्या है बच्चा, तो 3x-5। हमने सर्वसमीका और समीकरण में बहुत अच्छे से डिफरेंस बताया था आपको, तो अगर आपको आ रहा होगा तो बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। 3x-5 इज इक्वल टू 2x+8, भाई इसको निकालेंगे। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, 2x² + 3x-5 में x की वैल्यू फाइंड करिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, बहुत ही आसान प्रश्न है, x^5 = 6 है, फटाफट फाइंड कर लीजिए। हम और प्रश्न लिखते हैं फिर साथ में सॉल्व करेंगे। 6x - 11 = 8+10, इसमें निकालिए प्रश्न, x की वैल्यू निकालिएगा। 2x/3 = 6, इसमें x की वैल्यू फाइंड करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, तीसरे नंबर का प्रश्न है, 3a+5 = 17, इसमें a की वैल्यू फाइंड करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, x^2 - 1 = 2, इसका वैल्यू फाइंड करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मतलब ये पहले प्रश्न के अंतर्गत था या दूसरे प्रश्न के अंतर्गत थे, इस पूरे के पूरे थे। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है बच्चा, आपको निकालना है समीकरण सॉल्व करना है, 7x + 15 + 3x इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है ना? चलिए फटाफट सॉल्व कर लीजिए। वैसे तो बहुत ही आसान प्रश्न है, मुझे पता है आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सॉल्व भी कर रहे होंगे। देखिए x + 8 = 27 है, तो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड की जा सकती है। x की वैल्यू कैसे हो जाएगा, 8 इधर ला के माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू यहाँ से 19 निकल जाएगा, बताना जरा, ये समझ में आया कि नहीं? 8 इधर ला कर रख देंगे तो 27 - 8 करेंगे तो 19 आ जाएगा भाई। अब इसमें -5 है, यहाँ पर 8 है, इस 2x को एक साइड कर लीजिए और -5 को उस साइड कर दीजिए,
जब माइनस फाइव उस साइड जाएगा तो प्लस का फाइव होगा, और टू एक्स जब इस साइड आएगा, लेफ्ट साइड आएगा, तो माइनस का टू एक्स होगा। इधर पहले से थ्री एक्स है, थ्री एक्स और माइनस टू एक्स मिलकर क्या हो जाएगा, एक्स होगा, और यह वाला फाइव उधर जाएगा, तो आठ इधर पहले से है, और आठ प्लस पाँच कितना होगा, तेरह होगा, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थर्टीन आ जाएगा। यह बातें क्लियर है, अगले स्टेप्स पे आ जाते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन। टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फाइव, इसमें अब हमको लगाना, पहले इसको देख लीजिए, एक्स अपॉन में फाइव इक्वल टू सिक्स है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, फाइव इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगा पाँच छः तीस, तीस आ जाएगा। बताना यहाँ तक बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा मुझे जहाँ तक उम्मीद है। देखिएगा इसमें टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फाइव को बच्चा मैं ऊपर लिख लेता हूँ, टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव सॉरी प्लस में थ्री एक्स और माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो मैंने ऊपर लिख लिया। अब आपको एक चीज़ देखने को मिल रहा होगा, यह तो सर इसमें द्विघात समीकरण है, यानी कि डबल पावर इक्वेशन है, तो इसको कैसे करेंगे, इसमें भी बस वही करना है बेटा, जो दो है और पाँच है इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो माइनस दस आएगा। अब माइनस दस में इसको हम दो अंक में ऐसे तोड़ दें कि प्लस या माइनस करने पर माइनस का तीन मिल जाए, तो पाँच दूना दस होता है, और माइनस पाँच और प्लस दो कर लेंगे तो आ जाएगा माइनस का तीन। तो लिख लीजिए, तो टू एक्स स्क्वायर माइनस का फाइव एक्स प्लस में टू एक्स माइनस का पाँच इज इक्वल टू जीरो। इस तीन में मतलब दस को मैंने दो भाग में तोड़ लिया, देखो माइनस पाँच एक्स प्लस दो एक्स करेंगे तो फिर से एक मिनट बच्चा, आपको यह प्लस तीन एक्स लाना है, तो इसको प्लस कर लीजिए, इसको माइनस कर लेंगे भाई, ठीक है ना, ठीक है भाई। आ जाइए, टू एक्स स्क्वायर और फाइव एक्स में से दो सॉरी केवल एक्स कॉमन कर लेंगे तो बचेगा टू एक्स प्लस में फाइव, और इसमें से माइनस टू देखिए सर्वसमिका और समीकरण में हमने अंतर यही बताया था बच्चा, जिसको नहीं पता होगा भाई वो समझ ले। सर्वसमिका का मतलब यह होता है कि दोनों तरफ जो x के फॉर्म में या फिर y के फॉर्म में या फिर z के फॉर्म में जितने भी अचर होते हैं, मतलब कि वेरिएबल राशियां होती हैं, अगर उसके फॉर्म में वैल्यू दिया गया है तो दोनों तरफ कुछ भी मान रख दीजिए, एक ही मान मतलब दोनों तरफ रख देंगे तो वो बराबर आएगा, इक्वल आएगा, यह सर्वसमिका होता है। और समीकरण में हमने क्या बताया था, समीकरण का मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वह पूरा का पूरा इक्वेशन एक तरह से संतुष्ट होगा, संतुष्ट करेगा, कोई भी एक नंबर के लिए वह पूरा इक्वेशन संतुष्ट, मतलब कि एक तरह से सेटिस्फैक्ट्री होगा, समझ रहे हैं ना। जैसे कि यह आपका क्या है बेटा, यह क्या है आपका एक इक्वेशन है, एक समीकरण है, इसमें अगर ए का वैल्यू एक रखेंगे तो नहीं प्रूफ होगा, दो रखेंगे तब भी नहीं होगा, दो तीन छः पाँच ग्यारह हो रहा है, तीन रखेंगे तीन तीन का नौ, और पाँच करेंगे चौदह होगा, चार तीन बारह, बारह और पाँच सत्रह, तो यानी कि केवल एक के एक मान के लिए यह इक्वेशन फुलफिल हो रहा है, मतलब कि सेटिस्फैक्ट्री हो रहा है, 17 वैल्यू मिल रहा है, यानी कि यह हमारा इक्वेशन है और समीकरण यह हो सकता है। अच्छा दोनों तरफ यहाँ पे 8 प्लस 10 है क्या, 8 प्लस 10 है क्या, बेटा 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 2x है ना, 3x माइनस 5, एक मिनट रुक जाना भाई, 8 प्लस 10 हाँ सही है, चलिए बस ऐसे ही वैल्यू दे दिया है वो 8 प्लस 10 करके, बस बहकाने फुसलाने के लिए है ना, तो इसमें डरना डूरना नहीं है, बस लगाते चलिए। 8 और 10 18 हो गया, 8 और 10 18 हो गया इज इक्वल टू, यह माइनस 11 है तो माइनस 11 को जब अब उस साइड दोनों उस साइड करेंगे तो प्लस का 11 हो जाएगा, प्लस का 11 इक्वल टू 6x, तो 18 और 11 जब ऐड कर देंगे तो 18 और 11 कितना हो जाएगा भाई, 29 हो जाएगा, 29 अपान में 6 इज इक्वल टू x आपका राइट आंसर आएगा। इस वाले इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो बेटा 2x अपान में 3 इक्वल टू 6 है, तो 2x इक्वल टू कितना आएगा, 36 18, यह मल्टीप्लाई करेगा इधर जाके 18 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 9 18, यह हो गया हमारा 9। भाई देखो एक चीज़ आप अपने दिमाग में रख लेना, अगर आप स्ट्रगल करने वाले व्यक्ति हैं तो किसी एक हार से हमें जीत और हार का पता नहीं चलता है, समझ रहे, ना ही किसी एक जीत से यह नहीं पता चलता है कि आप हारने वाले पर्सन हो या फिर भागने वाले पर्सन हो या फिर जीतने वाले हो या फिर भागने वाले हो, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ें दिमाग में रख लेना, बहुत छोटी छोटी चीज़ होती है, आपको लगता है अरे बहुत अच्छे से मुझे यह चीज़ें हो सकती थी, मुझसे हमने कर नहीं पाया यार, शायद ये काम किया होता तो यह कर लेता है ना, तो ऐसी चीज़ें आप एक बार गलती किए उससे सीख लिए तो
समझ रहे हैं, दोबारा हो सकता है फिर से वही गलती हो जाए, तो एक बार तीन बार मतलब समझ रहे हो, गलतियों से ही आप सीखते सीखते एक दिन ऐसा आएगा कि आप जीत जाओगे, है ना। तो जीत ना ही उम्र का मोहताज होता है, ना ही किसी भी रुपये पैसे का मोहताज होता है, समझ रहे, परिश्रम आदमी जीवन पर्यंत करता रहता है। डेवलपमेंट CDP है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोसेस बेटा पैटर्न, तो उस पर आप उसमें पढ़ेंगे CDP मतलब कि एक डेवलपमेंट क्या होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप एक टीचर हैं तो आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। चलिए आ जाइए नेक्स्ट। टीचर बनने वाले हैं तभी तो आप BTC BEd कर रहे हैं, नहीं तो कहाँ करते हैं बताइए। 3A+5 इसको तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, 3A+5 = 17 है, तो 3A = कितना होगा, 17 - 5 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है ना, 3 * 4 = 12। अगला प्रश्न देखिएगा, x^2 - 1 = 2 है, तो यह 1 उधर जाएगा, 3 हो जाएगा, x^2 = 3 होगा, x की वैल्यू 2 * 3 = 6 हो जाएगा। बताना जरा इसमें क्या है जो हमें नहीं आ रहा है, कि जो मैं दो बार रिवाइज करूं, जो चीज़ें आपको पता है, दो बार रिवाइज करने से आप अपने आप को कमज़ोर क्यों समझते हो, पहले ये बता दो। दो बार रिवाइज करने से भी आपको उतनी ही सारी चीज़ें समझ में आएंगी, अगर आप एक बार और इस वीडियो को देख लोगे तो और बेहतर हो जाएगा आपके लिए, समझ रहे हो ना। तो मुझसे रिवाइज कम कराने का प्रयास किया करिए, कोशिश ये किया करिए कि 2 से 3 बार हम वीडियो को देख लें, ठीक है ना, जिससे कि वो क्वेश्चन आपके दिमाग में छप जाए और क्वेश्चन में दम ना है बबुआ, समझ रहे हो ना। चलो आ जाओ इसमें देखना, यहाँ पे कुछ था क्या, हमने इरेज कहीं कर दिया है। चलिए 7 देखिए, 7 + 5x है, 15 + 3x है, तो 3x को इधर कर लीजिए, 7 को उधर कर लीजिए, तो 5x - 3x = 15 - 7 है भाई, इधर कितना बचेगा, 8 बचेगा, इधर 2x बच जाएगा, इधर 8 बचेगा, है ना, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगा। अब हम चलते हैं कुछ थियोरेटिकल प्रश्न की तरफ, जो आपके एग्जाम में आएंगे और आपको करने भी हैं, ठीक है। चलिए किसी कक्षा के देखिए, इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न आएंगे जो आपको करना पड़ेगा। कौन सी संख्या है जिसके एक तिहाई में 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त हो जाए, बस समझ कर चलना है बच्चा। वह कौन सी संख्या है जिसके एक तिहाई में 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त हो, जिसके एक तिहाई में 5 जोड़ने पर, एक तिहाई में 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त हो, 8 प्राप्त हो, बताइएगा वह कौन सी संख्या है। काफ़ी बेहतरीन प्रश्न तो नहीं कहेंगे, लेकिन उतना हार्ड भी नहीं कहेंगे भाई, मतलब बहुत बढ़िया प्रश्न भी नहीं है, आराम से इसको आप कर सकते हैं, यह सोचने वाला विषय नहीं है, ठीक है ना। जो बिल्कुल सीखने वाला बच्चा है वो भी करेगा, 6, 7, 6 या 5 का क्वेश्चन है कह लीजिए, 4, 5 का क्वेश्चन है। राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है, ऐसे ही प्रश्न TET CTET में आ जाएंगे भैया, समझ रहे हो ना। श्याम से कितना वर्ष अधिक है, 5 वर्ष अधिक है। राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है, यदि राम की वर्तमान उम्र 28 वर्ष है, तो श्याम की वर्तमान उम्र ज्ञात करिए, देखो ये सब मुझबानी प्रश्न लगता है ना, श्याम की वर्तमान उम्र बताइए, ये सब मुझबानी प्रश्न लगेंगे, ऐसे ही आप बोल लो, बोलते बोलते इसको लगा सकते हो। 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपये कम है, 40 रुपीज़ कम है। एक पुस्तक का मूल्य क्या होगा बताइएगा,
एक पुस्तक का मूल्य क्या होगा। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं, वह कौन सी संख्या है जिसके एक तिहाई में 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त हो जाए। वह कौन सी संख्या है तो बता देते हैं, वह संख्या हम मान लिए यक्स। वह कौन सी संख्या है जिसके एक तिहाई में यानी यक्स के एक तिहाई में 5 अगर जोड़ देना तो हमें 8 प्राप्त हो जाए। यही तो बोल रहा है, यक्स के एक तिहाई में, वही तो बोला गया है, वह कौन सी संख्या है जिसके एक तिहाई में 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त हो जाए हमें। तो यक्स अपान में 3 इक्वल टू 8 माइनस 5 करेंगे तो 3 आ जाएगा। यक्स की वैल्यू 3 × 9 यानी वह संख्या 9 है। इसको प्रूव कर सकते हैं अपने आप से, आप अपना वेरीफाई अपने आप को खुद कर सकते हैं, है ना। हमारा उत्तर सही के लिए 9/3 कर लीजिए, इसमें 5 जोड़िए, देखिए 8 आ रहा है, बिल्कुल 8 आएगा, बिल्कुल क्यों नहीं आएगा भाई। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न बोला गया, राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है, यदि राम की वर्तमान उम्र 28 वर्ष है तो श्याम का उम्र बता दीजिए। पढ़ते पढ़ते प्रश्न हो जाते हैं, लेकिन आप लोग को है कि पेन चला कर सर बताइए। राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। अगर राम की उम्र की बात करें बेटा और श्याम की उम्र बात करें, लगाने का तरीका देख लीजिए। राम की उम्र श्याम की उम्र से 5 वर्ष अधिक है, जो राम का उम्र है श्याम की उम्र से 5 वर्ष अधिक है, है ना। राम का उम्र श्याम की उम्र से 5 वर्ष अधिक है, तो श्याम की उम्र को अगर हम यक्स मानते हैं तो यक्स प्लस 5 उम्र राम का आ जाएगा। यदि राम की वर्तमान उम्र 28 वर्ष है तो श्याम की वर्तमान उम्र बता दीजिए। अगर राम की वर्तमान उम्र 28 वर्ष है यानी कि यक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 28। बेटा देख लो, अगर कोई भी व्यक्ति जैसे कि आप हो चाहे हम हैं, हमारी उम्र अगर 10 साल है, आपकी उम्र अगर 8 साल है, तो हमारे और आप में जितना अंतर आज है वही 10 साल पहले भी रहा होगा, वही 10 साल बाद भी रहेगा, समझ रहे हो ना। जैसे कि अगर आपके उम्र में अगर हम बोलें कि 10 साल बाद, और अगर हमारा उम्र आज 10 साल है और आपका उम्र अगर आज 5 साल है, तो हमारे और आपके उम्र में 5 साल का अंतर है। लेकिन अगर बोलेंगे 10 साल बाद यही अंतर बताओ कितना हो जाएगा, तो क्या आप नहीं बढ़ोगे घटोगे, बताओ आप भी तो बढ़ोगे घटोगे। अगर ऐसे बोल दे, बताइए अगर इसके उम्र में ए की उम्र में 10 साल की बढ़ोतरी हो गई तो ए और बी की उम्र में कितना अंतर आएगा। बच्चा परेशान, बच्चा सोचेगा भी 5 साल का है वो बढ़ गया 10 साल, भाई भूत थोड़े है वो भी बढ़ जाएगा, यानी कि जब भी बढ़ेगा तो साथ में ना बढ़ेगा भाई। वर्तमान का मतलब वर्तमान और भविष्य का मतलब कि भविष्य, दोनों का साथ चलेगा। इधर भी अगर ए से समय के अनुसार बांटेंगे तो, समझ रहे हैं ना, उसका अगर 10 साल इंक्रीज हुआ या अभी 10 साल बढ़ेगा, वो छोटे थोड़े रह जाएगा भाई, उसके लिए समय थोड़े रुक जाएगा। समय रुकने मान का नहीं है, समय तो बढ़ रहा है, अपने रफ्तार में है। तो 10-5-15 साल हो जाएगा और 10-10-20 साल यह जाएगा। अगर 20 साल यह बढ़ा तो 15 साल बचा उसका हो गया, मतलब 20 और 15 हो गया, तब भी अंतर 5 का ही है, आप देख पा रहे हैं। अगर पीछे जाओगे तब भी अंतर उतना ही रहेगा, ये चीज़ें दिमाग में रख लेना। तो वही यहाँ पे बोल रहा है, अगर वह 5 साल बढ़ा, 5 यक्स प्लस 5 इक्वल टू 28 है, तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 23 आएगा। आप खुद बता दो भाई श्याम कितने का होगा, 23 साल का होगा। चलिए अगले प्रश्न पे देख लेते हैं। पाँच पुस्तक के मूल्य से 14 रुपये कम है। देखिए पुस्तक को अगर हम यक्स मान लेते हैं तो 5 पुस्तक का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपये कम है। 7 पुस्तकों का जो मूल्य है उसे 14 रुपये कम है भाई, बस हो गया। तो एक पुस्तक का मूल्य बताइए। तो देखिए भाई, इसको इधर करेंगे 14 हो जाएगा और 5 को उधर करेंगे तो 7x-5x हो जाएगा। 7 में से 5 गया 2x, और इधर 14 है तो 2×7=14, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ जाएगा। इस तरह से आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, अनेकों प्रश्न हैं जो कि आराम आराम से लगाते चलिए, लगता चलेगा, ठीक है ना। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखेंगे, सचिन की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए यदि वह 10 वर्ष पहले 35 वर्ष का था। सचिन का वर्तमान उम्र ज्ञात करिए यदि वह 10 वर्ष पूर्व 35 वर्ष का था। यदि वह 10 वर्ष पूर्व 35 वर्ष का था तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस बोर्ड का, वैसे तो हमने काफ़ी प्रश्न किए जो भी किए। आगे देखिए, सोनम के पिता की आयु उसकी आयु की 3 × 5 वर्ष अधिक है। सोनम के पिता की आयु उसकी उम्र से
उसकी उम्र से बेटा, उसकी उम्र से तीन गुने, उसकी उम्र से तीन गुने से 5 वर्ष अधिक है, उसके उम्र से तीन गुने से 5 वर्ष अधिक है, 5 वर्ष अधिक है। तो आपको पता होना चाहिए, सोनम अगर लड़की है तो पिता का उम्र तो ज़्यादा होगा, तो ये चीज़ें दिमाग में रख कर करेंगे तो हो जाएगा सवाल। यदि सोनम के पिता की आयु 44 वर्ष है तो सोनम की आयु क्या कहिए, सोनम के जो पिता हैं, या पिता लिख लो डायरेक्ट, पिता की उम्र कितनी है, 44 वर्ष है, तो सोनम का उम्र पूछ रहा है, बता दो, फाइंड कर लो फटाफट। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज में, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण प्रत्येक आधार के कोण का दोगुना है, एक समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब दो भुजा बराबर हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दोगुना है, शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दोगुना है इन त्रिभुज के तीनों कोण का मान बताओ, तीनों कोणों का मान बता दो। प्रश्न नहीं पढ़ पा रहे होंगे तो मैं दोबारा पढ़ते पढ़ते इसको सॉल्व करूंगा, आप देखते चलिएगा। सचिन का वर्तमान उम्र ज्ञात करिए, यदि वह 10 वर्ष पूर्व 35 वर्ष का था, 10 वर्ष पहले अगर वह 35 का रहा होगा तो आप बताओ, 10 वर्ष देखिए लगाना है तो देखते देखते पढ़ते पढ़ते सबका आंसर बताया जा सकता है, यह सब में कुछ दम नहीं है, कुछ औकात नहीं इन सबका, पता नहीं कैसे बैक लगा लेते हो, खुद नहीं समझ में आता है, कुछ औकात है इन सबका बताओ, कौड़ी भर का औकात नहीं, आराम से आप लगाओगे मोटिवेशन के साथ, ठीक है ना। देखो 10 वर्ष पूर्व की अगर बात कर रहा है, 10 वर्ष पूर्व हमने वही चीज़ अभी आपको सिखाया, 10 वर्ष पूर्व 35 वर्ष का था, 10 वर्ष पहले अगर आप 2 वर्ष के थे तो आज आप कितने साल के हो बताओ, अगर 10 वर्ष पूर्व आप 2 साल के थे तो आज आप कितने साल के हो भाई, 12 साल के हो। अब यही चीज़ वो उल्टा बोल रहा है, 10 वर्ष पूर्व अच्छा वही चीज़ अभी बोला, 10 वर्ष पूर्व 35 वर्ष का था तो वर्तमान का एज बता दो, तो 10 ऐड ही तो करोगे वर्तमान में आने के लिए, जितना पीछे गए हो उतना वर्तमान में आ जाओ, 10 यानी कि वर्तमान एज कितनी हो जाएगी, 35 प्लस 10। अगर ये बाद का पूछता, जैसे दे दिया 10 वर्ष पूर्व 35 वर्ष का था, तो बताओ प्रेजेंट से 10 वर्ष बाद कितने साल का होगा, तो प्रेजेंट पे आ गए आप कितना, 45, 45 में अब आपको 10 और जोड़ना पड़ेगा तो 55 का हो जाएगा ना। सोनम के पिता की आयु उसकी उम्र से 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, अगर सोनम का उम्र आप मान लेते हैं, यक्ष है तो सोनम के पिता का उम्र कितना हो जाएगा, 3 गुने से 3x सोनम की उम्र के 3 गुने से 5 अधिक है, 5 अधिक है, और यही उम्र दिया है 44 के बराबर, 5 वर्ष अधिक है, तो यह पिता का उम्र 44 दिया गया है तो सोनम का उम्र पूछ रहा है, यानी एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो सोनम का उम्र पता चलेगा। फिर से देख लीजिए, बहुत सारे अभ्यर्थी को नहीं समझ आया होगा, अगर सोनम छोटी है भाई, लड़की है ना, तो कम एज की होगी पिता की उम्र से, कि वो बड़ी हो गई पिता छोटा हो गया, ऐसा होता है, बेटे ही बेटा है तो छोटे ही होते हैं ना भाई, बच्चे छोटे होते हैं और बाप बड़ा होता है तो बाप की उम्र ज़्यादा होता है, तो बाप का उम्र दिया हुआ है, यानी पिताजी का उम्र दिया है 44 साल, और आपसे बोल रहा है कि जो सोनम का एज है उसका 3 गुना से 5 अधिक कर लो, वही है इसके पिताजी का वर्तमान उम्र, यानी अगर सोनम का यक्ष मानते हैं तो सोनम में 3 का गुणा करिए तो 3x होगा, उसमें भी 5 जोड़ दीजिए, वही बोल रहा है, 5 हमने जोड़ दिया बराबर 44 के कर लिया, निकाल दीजिए फटाफट, तो 3x = कितना हो जाएगा, 44 - 5 कर लेंगे तो 39 आ जाएगा, यक्ष की वैल्यू आ गया 13, बेटा 3 से काट लोगे 39 को, 39 होता 13 आ गया, और यही तो सोनम का उम्र है, सोना अभी 13 साल की है। अगला प्रश्न चलते हैं, नेक्स्ट, समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा बराबर होते हैं, आपको पता है जो दोनों भुजा बराबर होते हैं ना वो बेस से यानी आधार से समान एंगल बनाते हैं, समान कोण बनाते हैं, बस मिरेकल लग गया बेटा, आ जाओ, अगर यह दोनों भुजा बराबर हैं बेटा, यह अलग है, समझ रहे हो ना, यह दोनों भुजा बराबर हैं और यह अलग है, यही बोल रहा है, यह वाली भुजा और यह वाली भुजा का जो कोण है ना वो अगर यक्स आप लेते हो, यक्स लेते हो, यही बोल रहा है देखो प्रश्न में, तो यह वाला कितना होगा, 2x होगा, और इन तीनों का योग 180 होता है भाई, जब भुजा बराबर समद्विबाहु में तो कोण भी बराबर होंगे बेस वाले, और इसके सामने का जो एंगल है चोटी वाला, ये बोल रहा है ना शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दोगुना है, तो जो शीर्ष कोण है ना वो प्रत्येक आधार कोण का दोगुना है, प्रत्येक
प्रत्येक मतलब किसी एक का भी 2x, समझ रहे हो ना। अब इन चार इन तीनों का योग जो है ना 180 होता है, आपको पता है किसी भी ट्रायंगल का x प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो 2x प्लस x प्लस x 4x, 4x बराबर 180 डिग्री। तो 4 चौके 16 और 2 बचा तो 4 पचे 20, यानी x की वैल्यू कितनी होगी 45 डिग्री। भाई ये आपका राइट आंसर हो गया, यही पूछ रहा है हमसे शायद ना, तीनों कोणों का योग पूछ रहा है। तो यह x वाला 45 होगा, यह वाला भी 45 होगा और यह वाला बेटा 90 का हो जाएगा। आप खुद जोड़ लो, 45 और 45 90 और 90 180 हो गया ना। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे भाई। अब आ गया क्वेश्चन इकाई नंबर 8, व्यंजकों का गुणनफल तथा स्वरसमी का, व्यंजकों का गुणनफल तथा स्वरसमी का। चलते हैं अभ्यास पर, क्योंकि हमने इसका बेसिक तो कर लिया है, मूल्यांकन की तरफ आ जाते हैं, प्रश्न को आप करना शुरू करेंगे। आपको पता है कि भाई स्वरसमी का जो होता है उसमें हमने तीन ठो फार्मूला आपको बताया था, वैसे बहुत सारे फार्मूले हैं और जो आपको याद भी करने हैं। अब ऐसा नहीं कि आप लिख दिए तो हो गया, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखिए हमें जो पढ़ा रहा हूँ बच्चा ना, या आप अगर अच्छे से पढ़ते चले तो शायद आप यूपी टेट में कहीं से आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। जितना मैंने डीएलएड मैथ की केवल बात कर लूँ, वैसे तो मैंने यूपी टेट का पूरा लेक्चर ख़त्म किया है, इसी प्लेटफॉर्म पर है, प्लेलिस्ट में आ जाइए, मिल जाएगा आपको, बस संस्कृत और इंग्लिश को छोड़ के 70 वीडियो हैं, 70 से 75 वीडियो हैं केवल मैथ के, करीब 60 से 70 वीडियो हैं ईवीएस के, समझ रहे हैं ना। हिंदी के दो दो तीन तीन मैंने एक मैराथन का वीडियो बनाया है पूरा का पूरा हर चैप्टर का, और एक मैंने प्रैक्टिस सेट का बनाया है जिसमें 200 400 400 एक एक टॉपिक पे प्रश्न हैं, समझ रहे हैं ना। अपने आप पे काफ़ी अच्छी वाली बात है कि आपको एक ही जगह सारी चीज़ें मिल जाएंगी बेटा, समझ रहे हो ना। अगर आप अपने से खुद सोचते हो कि मैं कर लूँ तो ठीक है कर लोगे, लेकिन अगर यही सोचोगे कि मैं यहाँ से करूँ वहाँ से करूँ, 10 जगह से मुँह मारोगे ना, तो शायद ही कोई चीज़ हो। तो ये चीज़ें दिमाग में रखना, अगर ना होता है तो उससे परेशान ना होना है, भविष्य में होगा निश्चित है, ये चीज़ें दिमाग में रख लेनी है, ठीक है ना। चलिए हम अगले चैप्टर पे आते हैं और क्वेश्चन का भंडारा आपको देते हैं। 3x² तथा 5xy का गुणा कीजिए। नहीं तो एक एक चैप्टर करके चलते चलें क्या, इतना बहुत है ना, बताओ इतना प्रैक्टिस कर लिए बहुत है, अगले दिन कर लेंगे फिर इसके बाद, बताओ। क्योंकि देख लो समय भी तो हो गया है, बताओ समय करीब 27 मिनट के आसपास हो गया बेटा, तो आप देख पा रहे हो कि मेरा घड़ी क्यों रुक गया है, मेरा घड़ी रुक सकता है, बैटरी खत्म हो गई, चलो इसकी लग रहा बैटरी खत्म हो गई है ना, कोई बात नहीं है तो हो जाएगा, बैटरी लग जाएगा। चलिए अब आपके लिए था 27 मिनट का वीडियो, बस इसको भाई देखो प्रैक्टिस करिए, एक चैप्टर कम से कम हमने प्रैक्टिस तो किया, खैर ठीक है। और जैसे हेल्थ थोड़ा सा मेरा और अच्छा होता है तो मैं लंबी लंबी वीडियो बनाऊंगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप समझेंगे सर हार गए ना, भाई हम कभी नहीं हारेंगे। और इतनी परेशानी के बावजूद भी मैं जब आपके साथ खड़ा रहता हूँ तो आपको भी जोश रहना चाहिए अंदर से, हाँ सर बस पढ़ा रहे हैं, इधर तबीयत भी समझ रहे हो ना ख़राब है दोनों लोग का, तो फिर उसके बाद आप कैसे समझ सकते हैं, आपको कैसे समझाऊँ मैं, है ना। हिम्मत बहुत रखनी पड़ती है यहाँ पर खड़ा होने में और खड़ा होकर पढ़ाने में, परेशानी होने के बावजूद भी आदमी अंदर से दुखी रहता है, तब भी आपका क्लास मैं लेता हूँ, यह सोच के लेता हूँ, पूरी ऊर्जा के साथ लेता हूँ कि कम से कम हमारे अभ्यर्थी को यह नहीं लगना चाहिए, हमारे फैमिली को यह नहीं लगना चाहिए कि सर कहाँ चले गए फिर क्या हो गया। मैं यह नहीं कभी जायज़ होने दूँगा आपको कि मेरी तबीयत बहुत ऐसा ख़राब है कि मैं उठ नहीं पाता हूँ, जब दिन मैं उठ भी नहीं पाऊँगा बेटा उस दिन भी क्लासेस आएंगे, बंद नहीं करूँगा, बस आप लोग के अंदर जो जोश है एनर्जी है वह चीज़ें बरकरार रहनी चाहिए, ठीक है, धन्यवाद।